हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईलर नाइटिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है डीआरडीओ सबटम 10 मैकेनिकल ट्रेड 3 मॉक टेस्ट नंबर 7। तो इसके पहले भी हमने 1 से लेकर 6 तक के मॉक टेस्ट सॉल्व करके दिया, जो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। और जो टाइटल पर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिकल ट्रेड थ्योरी बोला गया है, तो इसमें जितने भी मैकेनिकल ट्रेड आते हैं, जैसे टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, टूल एंड डायमेकर, तो इन सबके कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके दिए जाएंगे। और जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हर एक पार्ट के डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ की लिंक भी दे देंगे जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है डीआरडीओ सबटम 10 मैकेनिकल ट्रेड 3 मॉक टेस्ट नंबर 7। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान इज द स्पीड एट विच द मेटल इज रिमूव बाय द टूल फ्रॉम द वर्क पीस। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन सी गति है जिस पर कटिंग टूल वर्कपीस से धातु को काटता है। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था, इसके लिए पहला ऑप्शन है फीड, दूसरा कटिंग स्पीड, तीसरा डेप्थ ऑफ कट, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि वह कौन सी गति है जिस पर कटिंग टूल जॉब को टर्न करता है या फिर काटता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड जो होता है यही कटिंग टूल जो काटने की स्पीड, इसकी कौन देखता है, कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड जितना ज़्यादा होता है फिर कम होता है, इसके हिसाब से डिपेंड करता है कि जॉब हमारा कितने टाइम में बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फॉर्मूला फॉर कटिंग स्पीड। कट सी एस इजिकल टू कटिंग स्पीड, डी इजिकल टू डायमीटर ऑफ वर्क, एन इजिकल टू आरपीएम। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि काटने के गति के मतलब कटिंग स्पीड के सूत्र का निर्माण में से कौन प्रतिनिधित्व करता है, जैसे सी एस मतलब कटिंग स्पीड, डी मतलब डायमीटर ऑफ जॉब और एन मतलब आरपीएम। तो क्वेश्चन में शॉर्टली अगर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो डायरेक्टली हम ऐसे बोल सकते हैं कि कटिंग स्पीड का फॉर्मूला पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कटिंग स्पीड इजिकल टू 3/4 इंटू डी इंटू एन मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ पर डिवाइडेड बाय चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं, भागाकर 1000। दूसरा ऑप्शन है कटिंग स्पीड इजिकल टू डी इंटू एन। तीसरा ऑप्शन है कटिंग स्पीड इजिकल टू 3/4 इंटू डी डिवाइडेड बाई एन। और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ द मेंशन। तो कटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला पूछा गया था, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, कटिंग स्पीड इजिकल टू, जो यहाँ पर आप देख सकते 3.414 दिया है, तो यहाँ पर पाई रहता है, पाई इंटू डी इंटू एन और डिवाइडेड बाई, यहाँ पर डिवाइडेड बाई चाहिए, जो टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो गया, तो डिवाइडेड बाई 1000। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला ये होता है कि कटिंग स्पीड इजिकल टू पाई इंटू डी इंटू एन डिवाइडेड बाई 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द फीड। फीड का यूनिट क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है मिलीमीटर पर यूनिट, दूसरा ऑप्शन है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है मिलीमीटर पर मिनट और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फीड का यूनिट क्या होता है, तो फीड का यूनिट है ऑप्शन नंबर बी, एमएम पर रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेप्थ ऑफ कट इज द रिक्त स्थान डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द मैकेनिकल सरफेस टू द सरफेस ऑफ द वर्क पीस विच इज अनकट। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कट की गहराई मतलब डेप्थ ऑफ कट मशीनी सतह से वर्क पीस की सतह तक मापी गई दूरी है जो बिना कटी हुई है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डेप्थ ऑफ कट हम देते हैं, तो वो कौन से उसके डेप्थ ऑफ कट देने की गति किस तरह से होता है, पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पैरेलल, दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा एट 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ देवो। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया कि कट की गर डेप्थ ऑफ कट देते समय जो मशीन की सरफेस होती है उसमें हम किस तरह से डेप्थ ऑफ कट देते हैं, उसकी चाल क्या होती है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फॉर्मूला फॉर द डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट का फॉर्मूला क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसके साथ में जो दिए गए D1 मतलब क्या होता है, डायमीटर ऑफ वर्क सरफेस बिफोर मशीनिंग मतलब मशीनिंग करने के पहले के सरफेस, और D2 मतलब डायमीटर ऑफ द मशीन सरफेस मतलब मशीनिंग करने के बाद का जो सरफेस होता है वही होता है D2, एक जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में इस पूछा था कि डेप्थ ऑफ कट का फॉर्मूला पूछा गया था, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है D1 + D2 मतलब मशीनिंग करने से पहले और उसमें प्लस मशीनिंग करने के बाद का। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है D1 - D2, तीसरा ऑप्शन है ब्रैकेट में D1 + D2 / 2
चौथा ऑप्शन है D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाय 2। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फॉर्मूला फॉर द डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट का फॉर्मूला पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ मेटल रिमूविंग रेट। मेटल जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु हटाने की दर की इकाई का प्रतिनिधित्व करता है, इसके लिए पहला ऑप्शन है mm पर रेवोल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है mm पर mm डिवाइडेड बाय रेवोल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है mm इंटू डिवाइडेड बाय रेवोल्यूशन, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से धातु हटाने की दर की इकाई का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब क्वेश्चन में फार्मूला पूछा गया है कि मेटल रिमूविंग रेट का फार्मूला क्या है, मेटल रिमूविंग रेट का यूनिट क्या है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, mm इंटू जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी mm इंटू mm डिवाइडेड बाय रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय नहीं है ये हमारा, mm पर रेवोल्यूशन है, जैसे फीट का यूनिट होता है mm पर रेवोल्यूशन, उसी तरह है यहाँ पर सिर्फ mm इंटू mm दिया है और पर रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखें, और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिट फॉर मशीनिंग टाइम, मशीनिंग टाइम का यूनिट क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है mm पर मिनट, दूसरा ऑप्शन है मिनट पर रेवोल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है मिनट, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मशीनिंग टाइम का यूनिट क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मशीनिंग टाइम ऑफ गिवन जॉब इफ जॉब लेंथ 100 mm, जॉब डायमीटर 40 mm, कटिंग स्पीड 50 m/min और फीड 0.2 mm पर रेवोल्यूशन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कैलकुलेट हमें करना था, मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करके निकालना था, तो जिसके लिए जॉब की लंबाई दिया है 100 mm, जॉब का डायमीटर दिया है 40 mm, कटिंग स्पीड दिया है 50 m/min और फीड दिया है 0.2 mm पर रेवोल्यूशन। तो जो ये आपको क्वेश्चन दिखाया था, इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिखाएंगे कि फार्मूला के साथ किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 1.25 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 2 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 2.5 मिनट, चौथा ऑप्शन है 2.25 मिनट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मशीनिंग टाइम हमें कैलकुलेट करना था, तो इसका आंसर आता है 1.25 मिनट। तो किस तरह से आता है, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। सबसे पहले फार्मूला आता है मशीनिंग टाइम का, लेंथ ऑफ जॉब इंटू नंबर ऑफ कट डिवाइडेड बाय फीड इंटू RPM। तो जो फार्मूला में आप यहाँ पर देख सकते हैं RPM पूछा गया है, लेकिन जो क्वेश्चन था क्वेश्चन में RPM दिया नहीं था, सिर्फ कटिंग स्पीड दिया था, तो इसलिए सबसे पहले हमें RPM को कैलकुलेट करना है। तो RPM का फार्मूला होता है कटिंग स्पीड इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा RPM आता है 398। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कैलकुलेशन अच्छी तरह से आपको दिखाया है फार्मूला के साथ। तो RPM हमारा आता है 398। उसके बाद हमें फार्मूला अप्लाई करना है मशीनिंग टाइम का, तो मशीनिंग टाइम का फार्मूला है लेंथ ऑफ जॉब इंटू नंबर ऑफ कट डिवाइडेड बाय फीड इंटू RPM। तो उसके बाद फार्मूला में वैल्यू पुट अप करना है, लेंथ ऑफ जॉब हमारा दिया गया था 100 mm, नंबर ऑफ कट क्वेश्चन में पूछा दिया नहीं है इसलिए हम एक ही लेंगे। उसके बाद डिवाइडेड बाय फीड इंटू RPM, फीड दिया है 0.2 और RPM हमने जो कैलकुलेट करके निकाला था फीड इंटू RPM, RPM हमारा निकला था 398। उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे 100 × 1 मतलब 100। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है 398 × 0.2, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आता है 79.6 और इन दोनों का डिवाइडेशन करने के बाद आता है 1.25 मिनट। तो इसका जो सही आंसर हमने बताया था मशीनिंग टाइम हमारा निकलता है 1.25 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायमीटर ऑफ द वर्क सरफेस बिफोर मशीनिंग D1 इज 100 mm एंड डायमीटर ऑफ द मशीन सरफेस D2 50 mm, देन द डेप्थ ऑफ कट इज। तो क्वेश्चन ने पूछा है हमें डेप्थ ऑफ कट कैलकुलेट करना है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो D1 मतलब क्या बोला गया यहाँ पर, मशीनिंग करने के पहले का डायमीटर हमारा होता है D1, जिसे यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं 100 mm दिया है, और D2 मतलब मशीनिंग करने के बाद उसे बनाया गया है 50 mm में।
तो इसका डेप्थ ऑफ कट कितना है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है, इसका भी हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करके देंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन और आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व करके देंगे। तो पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि D1 100 mm, D2 50 mm, तो इसका डेप्थ ऑफ कट क्या है, डेप्थ ऑफ कट निकालना था। तो सबसे पहले आंसर देख लेते हैं, आंसर आता है आंसर ऑप्शन नंबर 225। तो किस तरह से आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले फार्मूला में डेप्थ ऑफ कट का फार्मूला अप्लाई करना है। डेप्थ ऑफ कट का फार्मूला होता है D1 जो मशीनिंग करने के पहले का डायमीटर होता है, माइनस D2 मशीनिंग करने के बाद का डायमीटर, डिवाइडेड बाय 2। तो मशीनिंग करने के पहले का डायमीटर था 100 mm, माइनस मशीनिंग करने के बाद का डायमीटर है 50 mm और डिवाइडेड बाय 2। इसका मल्टीप्लिकेशन कर, इसका माइनस सब्ट्रैक्शन करने के बाद कितना आता है 50, 100 में से 50 गया तो 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25। सही आंसर हमारा है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइविंग एंड ऑफ द ड्रिल, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल का ड्राइविंग एंड है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टैंक, दूसरा फ्लूट, तीसरा शांक, चौथा ऑप्शन है लैंड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल का ड्राइविंग एंड है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप्स ऑफ शांक, निम्नलिखित में से कौन सा शांक का प्रकार है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेपर शांक, दूसरा स्ट्रेट शांक, तीसरा ऑप्शन है टेपर शांक एंड स्ट्रेट शांक बोथ, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शांक का प्रकार होता है, मतलब क्वेश्चन में यही पूछा गया कि शांक कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो इसके लिए जो हमने ऑप्शन देखे तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेपर शांक एंड स्ट्रेट शांक। जो हमारा शांक होता है दो प्रकार के होते हैं, टेपर शांक और स्ट्रेट शांक। जैसे हम हमारा ड्रिल भी स्ट्रेट शांक ड्रिल होता है, टेपर शांक ड्रिल होता है, इसी तरह का यही क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपर शांक इज यूज फॉर रिक्त स्थान डायमीटर ड्रिल, टेपर शांक का उपयोग रिक्त स्थान डायमीटर के ड्रिल के लिए किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है छोटे डायमीटर के ड्रिल के लिए, दूसरा ऑप्शन है बड़े डायमीटर के ड्रिल के लिए, तीसरा ऑप्शन है छोटा और बड़े डायमीटर के ड्रिल के लिए, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेपर शांक ड्रिल का उपयोग रिक्त स्थान डायमीटर के ड्रिल के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लार्ज, मतलब बड़े आकार के जो भी ड्रिल होते हैं उसको पकड़ने के लिए टेपर शांक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान आर द स्पाइरल ग्रूव विच रन टू द लेंथ ऑफ द ड्रिल, रिक्त स्थान स्पाइरल ग्रूव है जो ड्रिल की लंबाई तक चलते हैं, मतलब स्पाइरल ड्रिल की जो लंबाई, पूरे लंबाई में स्पाइरल ग्रूव कटे होते हैं उसे क्या बोला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टैंक, दूसरा फ्लूट्स, तीसरा शांक, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि ड्रिल के ड्रिल पर जो स्पाइरल ग्रूव कटे होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लूट्स। फ्लूट्स हमारे स्पाइरल ग्रूव कटे होते हैं, स्पाइरल ग्रूव के रूप में फ्लूट्स कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन बिटवीन द पॉइंट एंड शांक इज कॉल्ड, ड्रिल के पॉइंट और शांक के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन है पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बॉडी, दूसरा ऑप्शन है ड्रिल, तीसरा ऑप्शन है बॉडी विद बोथ बॉडी एंड ड्रिल, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ड्रिल के पॉइंट और शांक के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ बॉडी एंड ड्रिल, मतलब बॉडी भी बोलते हैं ड्रिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन कैन बी कैटेगराइज एज, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया कि टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन को रिक्त स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसके लिए पहला ऑप्शन है जनरल पर्पस ड्रिलिंग मशीन, दूसरा ऑप्शन है स्पेसिफिक पर्पस ड्रिलिंग मशीन, तीसरा ऑप्शन है कांट से एनीथिंग, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द मेंशन। जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन को रिक्त स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है जनरल पर्पस ड्रिलिंग मशीन। जनरल पर्पस ड्रिलिंग मशीन, हम टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन को हम जनरल पर्पस ड्रिलिंग मशीन भी कह सकते हैं, यही कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ फीड कैन बी गिवन इन द टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन, टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार का फीड दिया जा सकता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मैनुअली फीड, दूसरा पावर फीड, तीसरा मैनुअली और पावर फीड दोनों भी, या फिर चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेबल टॉप ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार का फीड दिया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैनुअल फीड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिलर ड्रिल मशीन कैन परफॉर्म मैक्सिमम रिक्त स्थान एमएम ऑफ डायमीटर जॉब। पिलर ड्रिल मशीन अधिकतम रिक्त स्थान मिलीमीटर व्यास का काम कर सकती है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 10 mm, दूसरा ऑप्शन है 100 mm, तीसरा ऑप्शन है 20 mm, चौथा ऑप्शन है 200 mm। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि द पिलर ड्रिल मशीन कैन परफॉर्म मैक्सिमम, मतलब पिलर टाइप ड्रिल मशीन के साथ हम कितने डायमीटर के ड्रिल का उपयोग कर सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिलर ड्रिल मशीन कैन परफॉर्म रिक्त स्थान वर्क। पिलर ड्रिल मशीन कौन से कार्य कर सकती है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लाइट वर्क, दूसरा हैवी वर्क, तीसरा लाइट वर्क और हैवी वर्क, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि पिलर टाइप ड्रिल मशीन रिक्त कौन से काम के लिए कार्य के लिए उपयोग करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाइट वर्क, मतलब ज़्यादा बड़े काम के लिए पिलर टाइप ड्रिल मशीन का काम उपयोग नहीं करते हैं, लाइट वर्क के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ मूवमेंट इज पॉसिबल इन द केस ऑफ रेडियल आर्म। रेडियल आर्म के मामले में किस प्रकार की गति संभव है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ओनली सुवेल, दूसरा ऑप्शन है ओनली अप एंड डाउन, तीसरा ऑप्शन है ऑल अप डाउन एंड सुवेल, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि रेडियल आर्म के मामले में किस प्रकार की गति संभव है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओनली अप एंड डाउन, मतलब ऊपर के ऊपर तरफ और नीचे की तरफ हम रेडियल आर्म में मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे पिलर टाइप ड्रिल मशीन को भी वर्क टेबल को ऊपर या नीचे किया जा सकता है, उसी प्रकार इसी में भी है रेडियल ड्रिल मशीन के बारे में पूछा गया कि रेडियल आर्म किस प्रकार की गति संभव है इसमें, तो इसका जो सही आंसर है ओनली अप एंड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ रेडियल आर्म इज, रेडियल आर्म की गति क्या है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है मैनुअल, दूसरा पावर, तीसरा इधर मैनुअल और पावर, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन ने पूछा गया था कि द मूवमेंट ऑफ रेडियल आर्म इज, रेडियल आर्म की गति रिक्त स्थान है, यही क्वेश्चन ने पूछा गया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इधर मैनुअल और पावर, मतलब हम मैनुअली भी दे सकते हैं और पावर फीड मतलब ऑटोमेटिक फीड भी दे सकते हैं रेडियल ड्रिल मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द ड्रिल स्पिंडल, निम्नलिखित में से कौन ड्रिल स्पिंडल को होल्ड करता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। रेडियल यही क्वेश्चन आपको रेडियल ड्रिल मशीन के बारे में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड इन द स्पिंडल इन रेडियल ड्रिल मशीन। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेडियल आर्म, दूसरा ऑप्शन है ट्यूबुलर कॉलम, तीसरा ऑप्शन है ड्रिलिंग हेड और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द ड्रिल स्पिंडल इन रेडियल ड्रिल मशीन, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ड्रिलिंग हेड। ड्रिलिंग हेड में ही रेडियल मशीन के ड्रिल हेड में ड्रिल स्पिंडल को बिठाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रिलिंग हेड कैन मूव, ये भी क्वेश्चन आपको ड्रिल मशीन रेडियल ड्रिल मशीन का ही पूछा गया है कि रेडियल ड्रिल मशीन में द ड्रिलिंग हेड कैन मूव, ड्रिलिंग हेड रिक्त स्थान को स्थानांतरित कर सकता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। जो ड्रिलिंग हेड होता है वह किस तरफ मूव हो सकता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इनवर्ड एंड आउटवर्ड, दूसरा अप एंड डाउन, तीसरा ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड एंड अप एंड डाउन और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि रेडियल ड्रिल मशीन में ड्रिलिंग हेड रिक्त स्थान को स्थानांतरित कर सकता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड एंड अप एंड डाउन, मतलब बाहरी और भीतरी और ऊपर और नीचे दो इसी चारों तरफ भी हम रेडियल ड्रिल मशीन के जो ड्रिलिंग हेड होते हैं उसे मूव कर सकते हैं 360 डिग्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू आर ट्रू फॉर आर रेडियल ड्रिल मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्रिलिंग स्पिंडल इज सब्जेक्टेड टू रोटेशन, दूसरा ऑप्शन है द एंटायर ड्रिलिंग हेड इज माउंटेड ऑन रेडियल आर्म, तीसरा ऑप्शन है द गैप बिटवीन द ड्रिल एंड जॉब इज नोन एज स्ट्रोक लेंथ और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द मेंशन। तो जो क्वेश्चन ने पूछा गया था कि रेडियल ड्रिल मशीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब रेडियल ड्रिल मशीन में हम ड्रिलिंग स्पिंडल इज सब्जेक्टेड टू रोटेशन, दूसरा जो था ये जो तीन ऑप्शन दिखा दे रहे तीनों रेडियल ड्रिल मशीन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज पोर्टेबल, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी
मशीन पोर्टेबल ड्रिल मशीन है, यही क्वेश्चन है पूछा है। उसके लिए पहला ऑप्शन है हैंड ड्रिल मशीन, दूसरा इनमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है पिलर ड्रिल मशीन और चौथा ऑप्शन है कॉलम ड्रिल मशीन। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी ड्रिल मशीन पोर्टेबल टाइप होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैंड ड्रिल मशीन पोर्टेबल टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिल मशीन नंबर ऑफ ड्रिल आर यूज सिमुलटेनसली। जो क्वेश्चन है पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस ड्रिल मशीन में एक साथ कई ड्रिल का उपयोग किया जा सकता है, मतलब क्वेश्चन में यही पूछा कि कौन से ड्रिल मशीन में हम एक साथ बहुत सारे ड्रिल का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है टेबल टॉप ड्रिल मशीन, दूसरा पिलर ड्रिल मशीन, तीसरा हैंड ड्रिल मशीन, चौथा ऑप्शन है गैंग ड्रिल मशीन। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ड्रिल मशीन कौन से ड्रिल मशीन में एक साथ कई ड्रिल का उपयोग किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैंग ड्रिल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग कैन बी डन इन गैंग ड्रिल मशीन। गैंग ड्रिल मशीन में किस प्रकार की ड्रिलिंग की जा सकती है, यही क्वेश्चन है पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रोग्रेसिव, दूसरा पैरेलल, तीसरा ऑप्शन है बोथ प्रोग्रेसिव एंड पैरेलल, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द बोथ। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि गैंग ड्रिल मशीन में किस प्रकार की ड्रिलिंग की जा सकती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ प्रोग्रेसिव एंड पैरेलल, मतलब प्रगतिशील और समांतर दोनों ड्रिल गैंग ड्रिल मशीन में हम कर सकते हैं दोनों प्रकार के ड्रिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंग ड्रिल इज यूज्ड फॉर, गैंग ड्रिल मशीन का उपयोग किस लिए किया जाता है, यही क्वेश्चन है पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लार्ज बैच प्रोडक्शन, मतलब बड़े प्रोडक्शन के कामों के लिए, दूसरा ऑप्शन है स्मॉल प्रोडक्शन, मतलब छोटे प्रोडक्शन के कामों के लिए, तीसरा ऑप्शन है रिलेटिवली लो प्रोडक्शन, मतलब बहुत कम प्रोडक्शन के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दो। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि गैंग ड्रिल मशीन का उपयोग कौन से कामों के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लार्ज बैच प्रोडक्शन, मतलब बड़े बैच का प्रोडक्शन करने के लिए गैंग ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन कैन बी कैटेगरीज एज, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन को रिक्त स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, यही क्वेश्चन है पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है जनरल पर्पज ड्रिलिंग मशीन, दूसरा ऑप्शन है स्पेशल पर्पज ड्रिलिंग मशीन, तीसरा ऑप्शन कैन नॉट से एनीथिंग, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि रिक्त स्थान मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन को रिक्त स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, मतलब मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन को कौन से कैटेगरी में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल पर्पज ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टंगस्टन इज देयर इन हाई स्पीड स्टील। क्वेश्चन में क्या पूछा गई, हाई स्पीड स्टील में कितने परसेंट टंगस्टन का होता है, यही क्वेश्चन है पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 4%, दूसरा 14%, तीसरा 8%, और चौथा नंबर का है 18%। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाई स्पीड स्टील में कितने परसेंट टंगस्टन का होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिक्त स्थान टाइप्स ड्रिल इज हेल्ड इन द स्पिंडल डायरेक्टली। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रिक्त स्थान टाइप में ड्रिल को डायरेक्टली स्पिंडल में फिट किया जा सकता है, इनमें से कौन सा, जो निम्नलिखित में से रिक्त स्थान टाइप में ड्रिल को डायरेक्टली स्पिंडल में फिट किया जा सकता है, यही क्वेश्चन है पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्ट्रेट शैंक, दूसरा टेपर शैंक, बाकी के दो ऑप्शन है, इनमें से कोई ऑप्शन भी नहीं है आंसर में। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया कि इनमें से कौन सा टाइप में ड्रिल को डायरेक्टली हम स्पिंडल में फिट कर सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेपर शैंक, क्योंकि टेपर शैंक होता है हमारा, और जिसमें जो मोस्ट टेपर होते हैं, मोस्ट टेपर का काम ही यही होता है कि सेल्फ होल्डिंग और क्विक रिलीजिंग, तो इसके वजह से वो डायरेक्टली मशीन स्पिंडल में फिट हो जाता है। और इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था DRDO सेप्टम 10 मैकेनिकल ट्रेड थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 7, इसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।